आज मैं यहाँ एक और दिलचस्प यात्रा ब्लॉग के साथ हूँ। हमारा दौरा गुवाहाटी से शुरू हुआ, जिसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और पूर्वोत्तर भारत के सात बहन राज्यों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। गुवाहाटी के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। आप ट्रेन या फ्लाइट से कोलकाता से गुवाहाटी जा सकते हैं। गुवाहाटी अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए जाना जाता है, जैसे कामाख्या मंदिर, जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। अन्य लोकप्रिय आकर्षणों में उमानंद मंदिर, नवग्रह मंदिर और असम राज्य संग्रहालय शामिल है। ब्रह्मपुत्र नदी भी सुंदर दृश्य और नदी परिभ्रमण प्रदान करती है। गुवाहाटी कई वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के करीब है। प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लुप्त प्राय एक सींग वाले गैंडों का घर पास में स्थित है और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। काजीरंगा को इसके अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण और महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। काजीरंगा में भारतीय गैंडों का जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे अधिक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव उत्साही प्रकृति प्रेमियों और संरक्षणवादियों के लिए एक अनूठा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव प्रदान करता है। पूर्वोत्तर भारत के प्राकृतिक अजूबों की खोज करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक जरूरी गंतव्य। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये शिलोंग पठार की तलहटी में स्थित है और बांग्लादेश की सीमा के करीब है। अगले दिन सुबह हम शिलोंग जाने की योजना बना रहे हैं। उमियम झील, जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मेघालय राज्य में स्थित एक सुंदर जलाशय है। झील एक कृत्रिम जलाशय है जिसे उमियम नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। झील का क्रिस्टल क्लियर नीला पानी, हरे भरे परिवेश और खासी पहाड़ियों की पृष्ठभूमि इसे एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बनाती है। झील का शांत और निर्मल वातावरण हलचल भरे शहर के जीवन से एक ताजा राहत प्रदान करता है। उमियम झील विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान लुभावने दृश्य प्रदान करती है। फोटोग्राफर झील के शांत जल में परिलक्षित प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत रंगों को कैद कर सकते हैं। एक पर्यटकों का स्वर्ग है, जहां विभिन्न सहूलियत बिंदुओं से आम आदमी के लिए झरने की तीन परतें सुलभ है। यह एक त्रिस्तरीय जलप्रपात है, जिसका नाम झरने के तल पर एक हाथी की सूंड जैसी दिखने वाली चट्टान से मिला है। झरना हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है, जो इसे आगंतुकों के लिए एक मनोरम स्थान बनाता है। वार्की झील शिलोंग मेघालय भारत में स्थित एक और लोकप्रिय आकर्षण है। ये शहर के मध्य में स्थित एक सुंदर कृत्रिम झील है। वार्की झील एक शांत वातावरण प्रदान करती है, जहां आगंतुक आराम कर सकते हैं, इत्मीनान से टहल सकते हैं या झील पर नौक विहार का आनंद ले सकते हैं। पास में एक लकड़ी का पुल और एक छोटा कैफेटेरिया भी है, जो आगंतुकों को आराम करने और आसपास का आनंद लेने के लिए एक सुखद वातावरण प्रदान करता है। झील में अक्सर स्थानीय लोगों और पर्यटकों का समान आना जाना लगा रहता है,
जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने और शिलोन के मध्य में कुछ शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए आते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफी के शौकीनों और हलचल भरे शहर के भीतर एक शांत पलायन की तलाश करने वालों के लिए एक शानदार जगह है। शिलोंग मेघालय में कैथेड्रल चर्च एक उल्लेखनीय धार्मिक स्थल है। कैथेड्रल चर्च शिलोंग के केंद्र में स्थित है और सिटीस्केप में एक प्रमुख संरचना है। गिरजाघर के बगल में आगंतुक सुंदर सना हुआ ग्लास खिड़कियां, अलंकृत सजावट और प्रार्थना और प्रतिबिंब के लिए एक शांत वातावरण की प्रशंसा कर सकते हैं। चर्च नियमित धार्मिक सेवाओं की मेजबानी करता है और अक्सर महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों और समारोहों के लिए एक सभा स्थल होता है। शिलोंग भारत के सबसे पुराने गोल्फ कोर्स में से एक होने के लिए जाना जाता है, जिसे शिलोंग गोल्फ कोर्स या पूर्व का ग्लेनेगल्स कहा जाता है। गोल्फ कोर्स में लहरदार मेले, अच्छी तरह से सज्जित हरियाली और जल निकायों और रेत जाल सहित विभिन्न प्रकार के खतरे हैं। ये पेशेवरों और नौसिखियों दोनों के लिए एक अनूठा और सुखद गोल्फिंग अनुभव प्रदान करता है। डॉन बॉस्को संग्रहालय में कलाकृतियों, प्रदर्शनों, तस्वीरों और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों का एक विशाल संग्रह है, जो स्वदेशी लोगों के इतिहास, रीति रिवाजों और परंपराओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संग्रहालय को कई मंजिलों में बांटा गया है। प्रत्येक मंजिल स्वदेशी संस्कृतियों के विभिन्न पहलुओं को समर्पित है। लेडी हैदरी पार्क शिलोंग में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। लेडी हैदरी पार्क में रोडोडेंड्रोन, ऑर्किड और क्षेत्र में पाए जाने वाले कई अन्य स्वदेशी पौधों की प्रजातियों सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। पक्के पैदल रास्ते हैं जो पार्क के बीच से गुजरते हैं, जिससे आगंतुक इत्मीनान से टहलते हैं और आसपास की सुंदरता का आनंद लेते हैं।
दावकी लेक बांग्लादेश की सीमा के करीब दावकी शहर के पास स्थित है। दावकी लेक अपने क्रिस्टल क्लियर फिरोजा पानी के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्कृष्ट दृश्यता की अनुमति देता है। झील को उमंगोट नदी से पानी मिलता है, जो जयंतिया पहाड़ियों से बहती है और भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। बोटिंग और रिवर राफ्टिंग यहाँ की लोकप्रिय गतिविधियाँ हैं, जो आगंतुकों को आश्चर्यजनक दृश्यों का आनंद लेने और पानी के नीचे की दुनिया का पता लगाने का अवसर देती है। दावकी लेक अपने पारदर्शी पानी, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के साथ आगंतुकों के लिए वास्तव में एक यादगार अनुभव प्रदान करती है। दावकी लेक की अपनी यात्रा की योजना बनाएं और इसकी एथर सुंदरता से मुग्ध होने के लिए तैयार हो जाएं, जो जीवन भर साथ रहने वाली यादों के साथ जा रही है। मावलेनिनोंग मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित एक गांव है, जो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यह एशिया के सबसे स्वच्छ गांवों में से एक होने के लिए जाना जाता है और इसे अपनी स्वच्छता और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के लिए मान्यता मिली है। मावलेनिनोंग को अक्सर एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव कहा जाता है और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। ग्रामीणों को स्वच्छता बनाए रखने में बहुत गर्व होता है और उन्होंने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। उनके पास कचरा फैलाने के खिलाफ सख्त नियम है और गांव को साफ और अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए समुदाय संचालित प्रयास करते हैं। अपनी स्वच्छता के अलावा मावलेनिनोंग अपने जीवित मूल पुलों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो एक पुल बनाने के लिए पेड़ों की जड़ों को आपस में जोड़कर बनाई गई अनूठी संरचनाएं हैं। ये पुल इंजीनियरिंग का चमत्कार है और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यदि आप मावलेनिनोंग जाने की योजना बना रहे हैं तो आप गाँव का पता लगा सकते हैं, सुंदर प्राकृतिक परिवेश देख सकते हैं, दोस्ताना स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं और उनके पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के बारे में जान सकते हैं। ये टिकाऊ जीवन में रुचि रखने वालों और ग्रामीण भारत की सुंदरता का अनुभव करने वालों के लिए एक अनूठा गंतव्य है। लिविंग रूट ब्रिज पुल एक प्रकार का पुल है, जो जीवित पेड़ या पौधों की जड़ों को एक विशेष दिशा में बढ़ने और एक मजबूत परस्पर संरचना बनाने के लिए प्रशिक्षित करके बनाया जाता है। एक जीवित जड़ सेतु को विकसित करने की प्रक्रिया में कई वर्ष लग जाते हैं, अक्सर कई दशक लग जाते हैं, क्योंकि इसके लिए धैर्य और सावधानी पूर्वक देखभाल की आवश्यकता होती है। हम एक जीवित जड़ सेतु बनाने में शामिल सावधानी पूर्वक प्रक्रिया पर करीब से नजर डालते हैं। लिविंग रूट ब्रिज का निर्माण और रखरखाव पीढ़ियों से चला आ रहा है और स्थानीय समुदाय इन अनूठी संरचनाओं को संरक्षित और संरक्षित करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं।
हालांकि उनके दूरस्थ स्थान और सीमित पहुंच के कारण कई जीवित मूल कुल व्यापक दुनिया के लिए अपेक्षाकृत अज्ञात है। हम आपको मेघालय के सबसे मंत्रमुग्ध करने वाले प्राकृतिक अजूबों में से एक नुहकलेकाई जलप्रपात की लुभावनी सुंदरता की खोज करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पूर्वोत्तर भारत की हरी भरी पहाड़ियों और प्राचीन जंगलों के बीच स्थित नुहकलेकाई जलप्रपात अपनी विस्मयकारी ऊंचाई, क्रिस्टल क्लियर पानी और इसके अस्तित्व को समेटे हुए आकर्षक किंवदंतियों के साथ आगंतुकों को आकर्षित करता है। नुहकलेकाई जलप्रपात के आकर्षण और भव्यता का पता लगाने के लिए एक आभासी यात्रा शुरू करने के लिए हमसे जुड़े। नुहकलेकाई जलप्रपात प्रकृति की एक सच्ची कृति है, जहां झरने का पानी और पौराणिक कथाएं पूर्ण सामंजस्य में एक साथ आती हैं। प्रांतसूरी जलप्रपात भारत के मेघालय के हरे भरे परिदृश्य के बीच छिपा हुआ एक रत्न है। अपने क्रिस्टल क्लियर फिरोजा पानी, कैस्केडिंग टियर और शांत परिवेश के लिए जाना जाता है। प्रांतसूरी झरना प्रकृति के प्रति उत्साही और साहसिक चाहने वालों के लिए समान रूप से जादुई अनुभव प्रदान करता है। इस प्राचीन जलप्रपात के आकर्षण और भव्यता की खोज के लिए एक आभासी यात्रा शुरू करने के लिए हमसे जुड़े। प्रांतसूरी जलप्रपात सिर्फ एक सुरम्य जलप्रपात से कहीं अधिक है। ये प्राकृतिक अजूबों का अभयारण्य है। हम इस क्षेत्र में पनपने वाले विविध वनस्पतियों और जीवों की खोज करते हुए आसपास के वातावरण में तल्लीन हो जाते हैं। जीवंत ऑर्किड और फर्न से लेकर पक्षियों और तितलियों के चारों ओर फड़फड़ाने की मधुर आवाज तक हम उस समृद्ध जैव विविधता का प्रदर्शन करते हैं जो जलप्रपात के साथ साथ रहती है। आपका स्वागत है। आपके यात्रा ब्लॉग अनुभव का हिस्सा बनकर खुशी हुई। यदि आपके पास यात्रा से संबंधित कोई और विषय है या किसी और चीज के लिए सहायता की आवश्यकता है तो बेझिझक संपर्क करें। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।